स्वामी विवेकानंद एक युवा सन्यासी जिसने भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों तक में फैलाई, जिसने साहित्य, दर्शन और अपनी रचनाओं के माध्यम से लाखों करोड़ों युवाओं को लक्ष्य प्राप्ति का सुमार्ग दिखाया। आज भी अनेक युवा उन्हें अपना आदर्श मान जीवन में सफलता प्राप्ति के लक्ष्य की ओर सदैव तत्पर हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ। उनके पिता का नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त था, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। ये 9 भाई बहन थे। विवेकानंद के पिता कलकत्ता में एक प्रशिक्षित वकील थे व माता एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। माता पिता की अच्छी परवरिश और संस्कारों के कारण ही स्वामी विवेकानंद को जीवन में उच्च कोटि की सोच व समझ मिली। विवेकानंद बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे। बचपन से घर में धार्मिक व आध्यात्मिक माहौल रहा, जिसके कारण नरेंद्र के मन में भी धर्म व आध्यात्म के प्रति लगाव बढ़ा और बचपन से ही नरेंद्र ईश्वर को जानने व समझने का प्रयास करने लगे। ईश्वर को जानने की उत्सुकता में वे धर्मगुरुओं से अनेक प्रश्न भी किया करते थे, परंतु इन प्रश्नों के उत्तरों द्वारा कभी कभी उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ जाया करती थी कि वे व्याकुल व असंतोष से भर जाते थे। कलकत्ता से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां से कला वर्ग में स्नातक किया और आगे वकालत की पढ़ाई की। साथ ही दर्शन, धर्म, इतिहास आदि विषयों में रुचि के कारण इनका अध्ययन उत्साहपूर्वक करते रहे। यही कारण था कि वे ग्रंथ और शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता भी थे। इसीलिए विवेकानंद जी को उनके गुरुओं से भी काफी प्रशंसा मिलती थी। बचपन से ही जिज्ञासु होने के कारण एक बार उन्होंने महर्षि देवेंद्रनाथ से एक सवाल पूछा कि क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है। उनके इस सवाल से महर्षि जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस के पास भेज दिया। वहां पहुंच उनके तर्कों को सुन विवेकानंद जी बहुत प्रभावित हुए तथा उन्हें अपना गुरु बना लिया। परमहंस जी की कृपा से विवेकानंद जी को आत्म साक्षात्कार हुआ। संन्यास लेने के बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद हुआ। विवेकानंद जी ने अपना संपूर्ण जीवन अपने गुरु परमहंस को समर्पित कर दिया। अपने गुरु के अंतिम समय तक स्वामी जी ने उनकी खूब सेवा की थी। स्वामी विवेकानंद के महान व्यक्तित्व की नींव में थी उनकी गुरु भक्ति और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। 25 वर्ष की आयु में विवेकानंद जी ने गेरुए वस्त्र धारण कर पूरे भारत की यात्रा की। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन में जहां कई धर्म गुरुओं ने अपनी अपनी धर्म पुस्तकें रखी, वहीं भारत की ओर से श्रीमद् भगवद गीता रखी गई, जिसका मजाक उड़ाया गया। परंतु जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण की शुरुआत ही मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की, तब पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्वामी जी का यह भाषण उनके आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन से भरपूर था, जिसने वहां बैठे सभी व्यक्तियों का दिल जीत लिया। इसके बाद जो अमेरिका भारत को पहले दीनहीन दृष्टि से देखता था, अब स्वामी जी का मुरीद बन चुका था। अब स्वामी विवेकानंद का स्वागत हर जगह होने लगा। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की शिक्षा देते रहे। अनेक अमेरिकी विद्वानों ने उनको अपना गुरु बना लिया। 1897 में वापस लौट रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब वे नौजवानों के आदर्श बन चुके थे। अपनी देश विदेश की यात्राओं के दौरान अनेक मठों की स्थापना कर जिन्होंने भारतीय दर्शन को एक नया आयाम दिया। इस दौरान उनका स्वास्थ्य लगातार खराब रहने लगा। 4 जुलाई 1902 में महज 39 वर्ष की आयु में इस महान पुरुषार्थ वाले महापुरुष की मृत्यु हुई। उनके शिष्यों की माने तो उन्होंने महासमाधि ली थी। स्वामी जी ने अपने ज्ञान और दर्शन से लोगों में धर्म के प्रति नई और विस्तृत समझ विकसित की। वे भाईचारे और एकता पर बल देते थे। उन्होंने पूर्व और पश्चिमी देशों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया। भारतीय संस्कृति के महत्व को समझाने के साथ साथ भारतीय साहित्य को भी मजबूती प्रदान की। साथ ही भारतीय धार्मिक रचनाओं का सही अर्थ भी समझाया। स्वामी विवेकानंद केवल एक संत ही नहीं, महान दार्शनिक, एक महान देशभक्त, विचारक और लेखक भी थे। जातिवाद और धार्मिक आडंबरों का उन्होंने जमकर विरोध किया।
उन्होंने सनातन धर्म और संस्कृति की सुगंध विदेशों तक में फैलाई और युवाओं को नई राह दिखाई। स्वामी जी को युवा वर्ग से बहुत उम्मीदें थीं, इसीलिए आज उनका जन्मदिन 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।